जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ का 86वां संस्था स्थापना दिवस रविवार को विद्यापीठ सभागार में हर्षोल्लास से मनाया गया। समारोह का शुभारंभ कुलाधिपति प्रोफेसर बलवंत राय जौनी, चित्तौड़गढ़ सांसद डॉ. सीपी जोशी, कुलपति कर्नल प्रोफेसर एसएस सारंग देवत, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, कुल प्रमुख बीएल गुर्जर, उप महापौर पारस सिंघवी, डॉ. कौशल नागदा, रजिस्ट्रार डॉ. हेमशंकर दाधीज ने किया। समारोह में प्रोफेसर सारंग देवत ने अतिथियों का उपरना माला पहनाकर सम्मानित किया। कुलपति प्रोफेसर सारंग देवत ने स्वागत करते हुए विद्यापीठ की गौरवमयी यात्रा को बताते हुए कहा कि मातृभूमि और मातृ संस्थान के लिए सेवा भाव चेतना जागृत होने पर ही सामने आती है और यही चेतना देश और संस्थाओं के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। हमें सूर्य की भांति निरंतर गतिशील और क्रियाशील रहकर कर्तव्य पथ को प्रकाशित करना होगा ताकि राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सके। प्रोफेसर सारंग देवत ने कहा कि संस्थान में आगामी दिनों में कई क्रांतिकारी बदलाव करने जा रहा है। विद्यापीठ शिक्षा के साथ वंचित वर्ग तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। इसी कड़ी में 15 करोड़ की लागत से 120 बेड के हॉस्पिटल का शुभारंभ किया जाएगा, जहां केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सुविधाओं का लाभ आमजन को मिल सकेगा। तबोक परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंडोर स्टेडियम व तरणताल श्रमजीवी परिसर में शूटिंग रेंज बनाई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले। हमारे संस्थान का 86वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, आज हम याद करते हैं, नमन करते हैं हमारे संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन नागर साहब को, जिन्होंने संस्था आज से कुछ 86 वर्ष पूर्व आज़ादी से जस्ट 10 साल पहले 21 अगस्त 1937 को इस संस्थान की स्थापना की। आप हमसे जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय तत्कालीन समय कैसा वातावरण रहा होगा और शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने अलग जगाया है, आज वही छोटा सा नन्ना पौधा एक वट वृक्ष बन चुका है। आज हमारे संस्थान में जो 5 डिपार्टमेंट के साथ 1987 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, आज हम करीब 22 से ज़्यादा फैकल्टी के साथ 10,000 विद्यार्थियाँ पढ़ रहे हैं। बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं कि आज भी जिन मूल्यों को, जिन चिंताओं को, जिन समस्याओं को लेकर जनोबल 21 की स्थापना की थी, उनको हमें बनाए रखा है। वो शिक्षा चाहते थे कि सर हमारा को शिक्षा मिले, लेकर शैक्षण शिक्षा मिले, और असर जैसा कि हमारे राजस्थान का दक्षिण अंचल जो बहुत ही आदिवासी बोली क्षेत्र है, यहाँ के आज भी हम शिक्षा क्षेत्र में देखें बहुत ही पिछड़ा हुआ है, और हमारा राजस्थान विद्यापीठ उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है, और ये सब हमारे यहाँ के संस्था के जो कार्यकर्ता हैं उनकी लगन, उनकी निष्ठा, उनका समर्थन का भाव है कि आज हम हर क्षेत्र में केवल हमारे मेडिकल को छोड़ते हुए सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़े। सभी हमारे डिपार्टमेंट्स यहाँ खुले हुए हैं, और जिस तरह से एनई पी 2020 की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, उसके जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें जो कंसेप्ट है, उनकी जो डायरेक्शन हैं, वो हम कल को सभी फिल करते हैं, क्योंकि अब जमाना मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ का है, इंटरनेशनल ग्लोबली कॉम्पिटिशन का है, और इस कॉम्पिटेंसी को हम बनाए रखे हैं, आज हम सक्षम हैं कि हम पूरा ग्लोबली हम अपने आप को कम्पीट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आज इस अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूँ, उनको बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ, और आशा करते हैं कि हम बहुत ही जल्दी हमारा 2037 का एक विजन डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, और 100 वर्ष बाद जब 2037 में विश्वविद्यालय अपना 27वां मनाएगा, उस समय हम नए फायदा नहीं होंगे। सर, पहले श्रमजीवी विद्यालय में रात्रिकालीन विद्यालय की महाविद्यालय की व्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें जो श्रमजीवी लोग हैं वो रात को पढ़ सकते थे, ऐसी कोई व्यवस्था अभी भी आपके यहाँ सुचारू रूप से चालू है? देखिए, हम जनोबय की संस्था के स्थापना के पीछे 2 मुख्य बिंदु थे, एक तो हिंदी का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा जो श्रमजीवी लोग हैं जो दिन में श्रम करके रात को पढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक अभिनव प्रयोग जनोबय ने किया था। बीच में हमारे कुछ वर्षों के 3 से 5 वर्ष ये थोड़ा बंद रहा था, लेकिन 2012 से हमने पुनः इसको शुरू कर दिया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जनोबय ने जिन विचारधारा को प्रतिपादित किया है उससे हमेशा हमें कायम रखना ज़रूरी है, और आज भी हम चाहे कितनी बात कर लें, लेकिन अभी भी एक ऐसा वर्ग है जो दिन पर काम करता है, रात को पढ़ना चाहता है। हालाँकि आज नेट का देख सकते हैं कि आप ग्लोबली गूगल पे हमें सभी ऑनलाइन सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन 1-to-1 टीचिंग का अपना एक अपना महत्व है, और ऐसे में
हमारे करीब 300 विद्यार्थी आज भी इवनिंग क्लास में पढ़ते हैं, रात्रिकालीन कक्षाओं पढ़ते हैं और ये बहुत ही सार्वजनिक और एक बहुत ही कह सकते हैं कि इनक्रेडिबल कोर्स हैं जिसको हम निरंतर बनाए रखेंगे। धन्यवाद। Hi guys, I'm Dishi and right now I'm standing at the entrance of Techno India NJR Institute of Technology, one of the best engineering colleges in Udaipur, which has given top placements so far. I can speak of their practical approach on learning as I have been a student here myself. NJR IQ, this is one of its kind in Udaipur. उस कॉलेज में एनरोल करना चाहिए जो बेस्ट प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता हो। टेक्नो ऑफर्स ड्रीम प्लेसमेंट्स इन कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, कैपजेमिनी, IBM, विप्रो, TCS, इन्फोसिस एंड मेनी मोर। अप्लाई नाउ फॉर एडमिशन इन वेरियस ब्रांचेस विद लिमिटेड सीट्स।